तो स्वागत है आपका हमारे चैनल फूडी पाजी में। तो आज हम आए भोपाल की चौक की गलियों में सबसे प्रसिद्ध और फेमस अगरवाल पूरी भंडार, जो कि अपने जायके के नाम से बहुत ही फेमस है और बहुत पुरानी शॉप है। तो चलिए देखते हैं कैसा है इनका खाना और आगे तक वीडियो में बने रहना। शॉप हमारी 14 अप्रैल 1947 से है। उस ज़माने में नवाबी शासन था भोपाल में और भोपाल की पॉपुलेशन उस समय 20,000 थी। जब सब कैपिटल भोपाल बना 1956 में, तो उसका राजधानी में बहुत कम स्थान ऐसे थे जहाँ पर लोग प्योर वेज खाना खा सकें। तो जितने लोग आते थे उनके लिए हमारे यहाँ का अच्छा बना। तो 1947 के बाद से तो इसको पूरी सब्जी का अगरवाल पूरी भंडार के नाम से ही शुरू कर दिया इसको। भोपाल में मतलब जब 1950 में कैपिटल भोपाल को बनाया तो सारे विधायक मंत्री और उनको प्योर वेज खाना होता तो हमारी दुकान ही थी। ये स्टेचू यहाँ से आज से करीब 40 साल पहले कोई इसको लेके जा रहा था, तो हमारे जो फादर थे उन्होंने बोला बहुत अच्छा लग रहा है, ये कहाँ सेल कर रहा है उसको क्या? तो उसने कहा साहब इसको मैं सेल नहीं करूँगा, लेकिन मैं इसको रख जाता हूँ जिससे लोग इसको देखेंगे, मेरी एक याद बनी रहेगी। तो करीब 40 साल से ये स्टेचू यहाँ पर रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है इसको। कलाकार की कला उसमें बहुत से लोग अभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा लगता है कोई बैठा हुआ है यहाँ पर। हम जले की दवा देते हैं निःशुल्क यहाँ पर, ये करीब दे रहे हैं हम आज से 55 साल पहले से। मेरे फादर जो है एक बार वो यहाँ पर जो पुराना मकान था तो कोई पत्थर गिर गया था कढ़ाई के ऊपर, तो उससे जल गए थे। तो किसी हकीम ने बताया कि आप इस तरह की दवा बना के लगाएंगे इससे आराम मिलेगा। उन्होंने वो दवा बनाई, उससे उनको बहुत आराम मिला। तो उसके बाद से उन्होंने कहा इसको अपन हमेशा निःशुल्क देंगे। तो पहले तो कभी कभी कुछ लोग आ जाते थे, आज की डेट में 200 से 300 लोग पर डे हमारे यहाँ जले की दवा निःशुल्क लेने आते हैं, उससे उनको बहुत आराम मिलता है। इस दवा की विशेषता ये भी है कि इसको लगाने के बाद जब ठीक होता है तो जले हुए के जो निशान रहते हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं, वो निशान नहीं रहते हैं। तो बहुत से लोग आते हैं, ईश्वर हमसे काम अच्छा सत्कर्म करवा रहा है, उनकी दुआएं हमारे काम आती हैं। भाई ये वही मलम है जिससे हजारों लाखों लोगों का इलाज हुआ। इस तरह से हम लोग उसको पैकेट बना के देते हैं। जी जी जी, ये वो दवा है, ऑइंटमेंट होता है ये। अच्छा भाई, ये वही दवा है जिससे जले का इलाज हो सकता है, जले में काम आता है, जले में ही काम आता है। भाई हमारी प्लेट लगने जा रही है, ये प्लेट है, क्या आ गया इसमें? ये आ गई आलू की सब्जी। ये भाई आलू की सब्जी है, देख सकते हो बड़े यार। ये रायता, ये अपना रायता आ गया भाई, कद्दू का रायता। ओके भैया, ये अचार आम का अचार, ये अचार आ गया। तो भाई इस तरह की कुछ प्लेट है, ये इसमें आलू की सब्जी है, रायता है और अचार है, और अभी कद्दू का रायता। पहली बार फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, ये पूड़ी और आ गई। तो भाई चार पूड़ी हैं, सब्जी है, पांच पूड़ियाँ आई हैं। तो भाई मेरे पास ये प्लेट आ चुकी है, 45 रुपये कॉस्ट है इसकी, पांच पूड़ी हैं, कद्दू का रायता है, आलू की सब्जी है। मैं आलू की सब्जी हिला के दिखाता हूँ, अच्छी खासी है भाई, शक्ल से तो बहुत ही अच्छी लग रही है और इतनी पुरानी है। अच्छे बड़े बड़े लोग आए तो कुछ दे ही रहे होंगे तभी आते हैं। ये रायता देख लो भाई आप, कद्दू का रायता है ये और अचार भाई, और पापड़ भी आ गए हैं। तो अब मैं आपको खा के बताता हूँ कैसा टेस्ट है इसका। ये बाइट, अच्छी सी बाइट लेंगे, थोड़ा सा अचार या आलू की सब्जी। आलू की सब्जी अच्छी मसालेदार होके रखी है, बहुत बढ़िया है, अच्छा टेस्ट आ रहा है। पूड़ी भी गरम गरम ही निकाल के देंगे, बहुत अच्छा लगा है। और अब रायता टेस्ट करके देखते हैं, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ कद्दू का रायता। ये देखो कद्दू जो है ना, उन्होंने घिस के डाले उसको पूरा कद्दूकस करके, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही फ्लेवरफुल है। और हाँ, जो सब्ज़ी है बहुत मसालेदार है,
अगर आपको मसाला थोड़ा कम चाहिए तो वो शायद ही हो पाए। अच्छे मसालेदार सब्ज़ी है, फ्लेवरफुल है, एक एक मसाले का पूरा फ्लेवर आ रहा है, बहुत ही स्वाद है। आइए आप भी, अगर आप नहीं आए हैं, वैसे ज़्यादातर लोग आ चुके हैं भोपाल में, अगर कोई नहीं आया तो ज़रूर आए, विज़िट करें और खाइए अग्रवाल पूरी भंडार की पूरी और आलू की सब्ज़ी। तो भाई ये सब्ज़ी जैसा है, इसमें आप सोचो कि बहुत ज़्यादा ही कुछ खास फ्लेवर आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो पुराने टाइम से चली आ रही है वैसे ही उस चीज़ क्वालिटी को मेंटेन करके रखा उन्होंने पुराने मसालों में। हाँ ये बोल सकता हूँ मैं भाई, गरम मसाले का बहुत फ्लेवर आ रहा है क्योंकि उसका गरम मसाले का हर एक, क्योंकि इनने खड़े मसाले पीस के स्टॉक करके बताते हैं अंकल रख लिए, तो उसका फ्लेवर कहीं ना कहीं समझ आ रहा है मुझे। बहुत अच्छा टेस्ट है, अगर पुराने ज़माने का अगर आपको टेस्ट चाहिए तो अग्रवाल पूरी भंडार को मिस ना करें, जरूर इधर खा के लेके। मसालेदार बहुत है, देख ही सकते हो आप शक्ल इसकी, बहुत मसालेदार है। देख सकते हो आप, खड़े मसाले दिख रहे हैं उसमें, राई जीरा दिख रहा है और आलू के भी अच्छे खासे पीस हैं। आलू सिर्फ नाम की नहीं, आलू की सब्ज़ी अच्छे का आलू डले हुए हैं उसमें। 45 रुपये में फिक्स थाली है, अगर आप इसमें अलग से सब्जियाँ अलग से रायता लोगे तो उसका कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी अलग से, तो यह भी बहुत सफिशेंट है एक बंदे के लिए, बहुत सही लगा मुझे। तो आप भी आ रहे हैं तो कभी अग्रवाल पूरी भंडार ज़रूर आएँ और ट्राई करें। मैं इंजॉय करता हूँ मेरे, और अगली वीडियो में मिलता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ जिन्हें आलू पूड़ी बहुत पसंद है, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।